पर हमें सी एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि नॉन सिंगुलर है और बी को डिफाइन किया गया है इस तरह से इक्वल्स टू सी एक मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सी इनवर्स तो हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का स्क्वेयर या क्यूब क्या होगा तो हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर क्योंकि किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ऑप्टेंड होगा तो बी भी हमें फाइनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री है ये इसलिए बी क्यूब इक्वल्स टू जीरो होगा ही होगा लेकिन ये भी कंपल्सरी है ये भी कंपल्सरी नहीं है कि बी स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू जीरो हो बी स्क्वेयर भी जीरो हो सकता है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर अगर ये सिंगल करेक्ट आंसर है तब तो यहां पर डी करेक्ट होगा ही होगा लेकिन यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले बी स्क्वेयर फाइंड आउट करते हैं वो होगा सी सी मैट्रिक्स जीरो 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 एक्स जीरो जीरो वाई जेड जीरो सी इनवर्स और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि सी ब्रैकेट जीरो 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 एक्स जीरो जीरो सी इनवर्स सी और सी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएंगे फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कराना है यानी कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी और मल्टीप्लाई होने पर क्या मिलेगा जीरो पहली जो रो है वो हमें क्या मिल रहा है जीरो और यहाँ पर हमें जो फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री है वो मिलेगा X, Z. फिर आपको दूसरा देखना है दूसरी रो फर्स्ट कॉलम जीरो जीरो और जीरो लास्ट रो जीरो है तो वो तो जीरो ही कर देगा तो यहां पर आप देख सकते हैं एक नॉन जीरो एंट्री आ गई है यानी कि बी क्यूब इक्वल्स टू जीरो ऑप्शन हमारा ट्रू होगा क्योंकि बी स्क्र नोट इक्वल्स टू बी स्केयर नोट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है ऑप्शन बी आपका करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा रिमेनिंग वन बी स्केयर इक्वल्स टू आइडेंटिटी भी नहीं आया है ये भी गलत होगा और बी क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी ये तो होगा ही नहीं